तुम्हारे दिव्य तेज से सारा आश्रम प्रकाशमान हो रहा है। प्रभु अपने सेवक को बढ़ाई दे रहे हैं, यह आपका विशेष अनुग्रह है। अन्यथा इन श्री चरणों तक पहुंचना ही मेरा सौभाग्य है, जिनकी शरण में आने से ही मनुष्य अपनी आत्मा में निहित भगवान का स्पर्श अनुभव करने लगता है। और जानते हो राम, मैं इस समय क्या अनुभव कर रहा हूँ? जैसे भक्त और भगवान का मिलन हो रहा हो, जैसे भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आ गए हों। आप तो कवि हैं, और कवि अपनी कल्पना में स्वयं ही अपनी भावनात्मक सृष्टि की रचना कर सकता है। कवि में इतनी शक्ति होती है कि वो भावना के बल से एक पत्थर को सजीव बना दे, फिर एक साधारण मनुष्य की भगवान के रूप में कल्पना कर लेना उसके लिए कौन सा कठिन कार्य है। जिस मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है कि वो अपने अंदर स्थित भगवत स्वरूप के दर्शन कर सके, वो स्वयं भगवान ही हो जाता है। इस गूढ़ रहस्य को वही जान सकता है जिसे तुम जनवा दो, और जो तुम्हें जान ले वो तुम्ही में समा जाता है। हे महामुनि, आप प्रेम और भक्ति की परासीमा हैं, जिन्हें कण कण में केवल अपने भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आप मुझ जैसे एक साधारण मानव को भी भगवान की संज्ञा दे रहे हैं। तुम इस लोक से परे कोई दैवी शक्ति, कोई अवतारी पुरुष हो, जो इस धरती पर धर्मात्माओं की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुआ है। तुम ही मेरे काव्य के नायक हो राम। प्रभु, जिस प्रजा के लिए राजा अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, क्या वो प्रजा इतनी कृतघ्न और पाषाण हृदय हो सकती है? क्या राजा का ही प्रजा के लिए उत्तरदायित्व है? प्रजा के लिए राजा के प्रति श्रद्धा या आदर का कोई विधान नहीं? यदि श्री राम पराक्रम करके रावण को पराजित करेंगे तो किसके लिए, किस आशा पर? उनका लक्ष्य एक ही होगा ना, कि अपनी प्रियतमा सीता को फिर से पा सके। यदि अपने लिए नहीं तो फिर स्वामी के लिए ही तुम्हें जीवित रहना होगा। इसके लिए ही तुम थोड़ा खा लो। लेकिन मैं राजभोग नहीं खा सकती, इस पापी प्रदेश का अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। मेरे पति केवल कंदमूल फल खाते हैं। ये तुमने स्त्री धर्म के अनुकूल बात कही है। मैं तुम्हारे लिए सात्विक कंदमूल का आहार लेकर आऊंगी।